आते हैं, चाहे पनामा लीक्स हो या डॉन लीक्स हो, हर चीज़ में नवाज शरीफ की बदनीयती आपको ज़रूर नज़र आएगी। और जिस तरह से और कुछ बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं, जिंदाल का पाकिस्तान में आना, और सुना यह जा रहा है कि कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है कि पाकिस्तान स्टील मिल जो है उसकी डील जिंदाल से की जा रही है, लेकिन फ्रंट में किसी और कंपनी को डाला जाएगा, फॉरेन कंपनी को। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त जो उनकी सोच है वो किसी डिक्टेटर से कम नहीं है। जमहूरियत का चोला पहनते हुए डिक्टेटर की सोच की अक्कासी नवाज शरीफ करते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर फेयर तबसरा करूँ तो कराची की सूरतहाल पहले से बेहतर है। अगर आप पूरे शारा फैसल को देख लें, बाकी जगहों पर चीफ मिनिस्टर साहब और जाम खान छोरो दोनों मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मसाइल के लिए कोई नहीं कहेगा कि आइडियल है, लेकिन इसमें और मज़ीद टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरह चीफ मिनिस्टर और वज़ीर बल्दियात काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, मेरी ज़ाती राय कि जितने भी मेयर हैं उनके पास इख्तियार होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इख्तियार हैं भी सही, लेकिन अब उस इख्तियारात का उनका बेहतर ये कि अगर बयानबाजी से और मुजाहरों से अगर वो बैठ जाएं गवर्नमेंट के साथ और बैठ कर अपने काम को वो बांट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कराची की जिस गली में चले जाएं, अता के शारा फैसल पे अगर आप थोड़ा 5 मिनट वॉक करें तो आपको कचरा ही कचरा नजर आएगा, तो हालत कहां बेहतर हुई है कुछ? देखें, मैं समझता हूं कि जिस तरह इन्होंने इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया है और अभी उनको साइट्स को हैंड ओवर होती जा रही हैं, तो बेहतर हो जाएगा। टाइम लगेगा डेफिनेटली, लेकिन बेहतर होगा इंशाल्लाह। दोबारा आबाद हो गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कोई सियासी मुझे पता बाकी नहीं है कि जो मैंने शादी हाल तोड़े वो दोबारा वापस बने या नहीं बने। अगर बने तो फिर बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब नोटिस लेंगे, आप मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि, और आप भी चीफ मिनिस्टर साहब से मिलते रहे तो आप भी रिक्वेस्ट करें कि जी वो आइडेंटिफाई करें कि जो जो चीज़ें टूट गई थी पहले वो दोबारा नहीं बननी चाहिए। आपके ऊपर 11,000 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम है, वो बताइए क्या इल्ज़ाम है जमीन अलॉटमेंट? या भाईजान, जो ज़मीन अलॉटमेंट की बात है वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें पोर्ट्रे की जा रही हैं। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जब मीडिया ये खबर चलाता है कि 11,000 एकड़ ज़मीन कोई अलॉटमेंट मैंने की है, तो थोड़ा खोल के खबर को चलाए, थोड़ा देख लें, थोड़ी उसको कर लें अपना मीडिया के वाले उसको थोड़ा उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें कि कहाँ ज़मीन अलॉट हुई है, किसकी, वो बात नहीं बताई जाती, थोड़ा उसको तफसील देखें।